स्वागत 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 की कोई स्वागत की कोई जरूरत नहीं है जी। मैं तो बस 5-7 दिन के लिए आई हूँ। क्या है ना, बेटा घर शिफ्टिंग कर रहा है तो मेरे अच्छे से देखभाल नहीं होगी, इसलिए आ गई 5-7 दिन के लिए। करता क्या आप मुझे शारदा जी कह सकते हो? मेरा बेटा बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है जी। वो बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर है आपका? कुछ कहा आपने? मैं जरा अपने बेटे को फोन लगाती हूँ। हेलो बेटा। बेटा क्या कर रहे हो? खाना तो खा लिया? हेलो हेलो। हाँ बेटा बाद में बात करते हैं। मैडम सालों से हूँ मैं यहाँ, सब कुछ देख लिया है मेरी आंखों ने। इस जगह और इस माहौल को जितना जल्दी अपनाओगे उतना ही ठीक रहेगा। ओ मिस्टर, मेरा बेटा वैसा नहीं है, बहुत प्यार करता है मुझसे, और मेरा बेटा मेरे बिना रह जाए ये कभी हो भी नहीं सकता। देखिए शारदा जी, वैसे ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है, सुकून है, शांति है, समय पे भोजन मिल जाता है, कुछ नए दोस्त भी बन जाते हैं, आपको भी अच्छा लगने लगेगा। मेरी बात मानो तो बस भजन कीर्तन में मन लगाइए। देखिए सुमित जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे जलते हो, क्योंकि मुझे तो मेरा बेटा लेने आ जाएगा पर आपको तो कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है शारदा जी, अब बहुत रात हो गई है, चलिए सोने चलिए। मैं मेरे बेटे को फोन लगा लेती हूँ। हेलो बेटा। हाँ माँ। बेटा रात बहुत हो गई, बेटा सो जा। माँ मैं अभी बहुत बिजी हूँ, काम का बहुत प्रेशर है और मैं बहुत टेंशन, बाद में बात करता हूँ। ठीक है बेटा। लाइट्स। मैं फिर बेटे को फोन लगा लेती हूँ। हेलो बेटा। हाँ माँ। बेटा रात को कब सोया था? खाना तो खा लिया था? क्या माँ, तुम्हें तो खाने की पड़ी है, एक मिनट की फुर्सत नहीं, टाइम कहाँ है खाने का? बेटा अरे रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा। हेलो हेलो बेटा। हाँ माँ। माँ ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बेटा बेटा तू भूल जाता है बेटा, 15 दिन हो गए, कब आएगा मुझे लेने? माँ आता हूँ आता हूँ, मुझे सेटल तो होने दो, अभी तो बच्चे भी सेटल नहीं हुए हैं। बेटा आपको मेरी बात बुरी लगती है शारदा जी, पर उम्मीद बांधने से ना कोई फायदा नहीं, ये जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लीजिए, यही हमारा नसीब है। नसीब होगा आपका बुरा, मुझे मेरा बेटा आएगा और लेके जाएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे तो टेंशन इस चीज की है कि वो मेरे बिना रह कैसे पा रहा होगा। देखिए शारदा जी,
मैं भी चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको यहाँ लेने आए, पर ये मैं जानता हूँ कि स्वर्गाश्रम में जो एक बार आ जाता है फिर दोबारा उसे लेने कोई नहीं आता। देखिए सुमित जी, आप फालतू की बातें कर रहे हो, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं अभी मेरे बेटे को फोन लगाती हूँ, आप देख लेना वो मुझे आज के आज यहाँ से लेके जाएगा। हेलो बेटा। हाँ माँ। हेलो बेटा। हाँ माँ। बेटा तू सुन रहा है? हाँ माँ मैं सुन रहा हूँ। बेटा अब मैं यहाँ एक पल भर के लिए भी नहीं रह सकती, तू मुझे आज क्या, तू मुझे अभी के अभी यहाँ से लेके जा बेटा। माँ तू समझने की कोशिश कर, मैं बहुत टेंशन में हूँ, काम का बहुत प्रेशर है। क्यों बेटा तू टेंशन में क्यों है? अरे माँ 3-4 दिन हो गए टॉमी नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया, बच्चे बहुत परेशान हैं, चिंटू बेटा स्कूल ही नहीं जा रहा है और मिनल बिटिया वो तो खाना ही नहीं खा रही है। आपको तो पता है मिनल का कितना अटैचमेंट था टॉमी के साथ। अरे बेटा ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, टॉमी से तो हम सब कितना प्यार करते थे। माँ तुझे पता है तू खाना खाती थी तभी खाना खाता था वो। माँ फोन रखता हूँ, बाद में बात करूँगा। ठीक है बेटा। अरे शारदा जी ये तो कमाल हो गया, ये टॉमी कुत्ता तो आपसे भी आगे निकल गया। सुमित जी आप कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहिए ना। देखिए शारदा जी कहने को रह क्या गया है, आप शायद नाराज हो जाएंगी पर आपके बेटे को आपसे ज्यादा तो टॉमी कुत्ते का टेंशन है। सलाम करता हूँ मैं आपके बेटे और आपके पुत्र मऊ को। सुमित जी अभी तक आपने टॉमी को देखा नहीं, वो इतना प्यारा है कि घर का हर सदस्य से बहुत प्यार करता है। वाकई में सही बोल रहे हो आप, बेटे को माँ से ज्यादा तो कुत्ते का टेंशन है। सुमित जी आप रहने दीजिए, अभी आप माँ का दर्द नहीं समझ सकते हो। ठीक है शारदा जी अब बहुत रात हो गई है, चलिए सो जाइए, आप सही मैं गलत। और फिर 45 दिन बाद क्या होता है? आज बहुत दिन हो गए मेरे बेटे को फोन लगा लेते। शायद बिजी होगा। शारदा जी आज 45 दिन हो गए हैं आपको यहाँ आए हुए, अब तो आपका बेटा फोन भी नहीं उठाता है। अरे शारदा जी ये कहीं आपका टॉमी तो नहीं? अरे टॉमी बेटा, टॉमी, सुमित जी मेरे बेटे को फोन लगाइए और कहिए कि टॉमी मेरे पास है, वो आए और मुझे और टॉमी दोनों को लेके जाए। मैं अभी फोन लगाता हूँ शारदा जी। नहीं उठा रहा शारदा जी। सुमित जी एक बार और कोशिश कीजिए ना। मैं वो लगाता हूँ शारदा जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप पानी पीजिए शारदा जी। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप बेटे को फोन लगाइए सुमित जी। मैं लगाता हूँ शारदा जी। अब धैर्य रखिए शारदा जी, अब की बार उठा लेगा, कहीं बिजी होगा।
मेरे बेटे का फोटो लीजिए शारदा जी। मेरे बेटा शारदा जी पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने युद्धम तोड़ दिया। ना जाने क्यों उन्होंने इतनी उम्मीदें पाल रखी थी। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है, सिर्फ दर्द। छी, क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें तिल तिल मरने के लिए। अरे कोई है जो जाके शारदा जी के बेटे को लेके आए और कह दो उससे अगर एक हफ्ता हो गया हो तो आ जाए, ले जाए अपनी माँ को और उनके सम्मान। माँ 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 खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। अरे किस हक से तुम शारदा जी को अपनी माँ बोल रहे हो। तुम्हें तो अपनी माँ से फोन पे बात करने की फुर्सत नहीं थी और आज आ गए यार रोने का टोंक करने के लिए। अंकल मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अंकल। दूर हटो। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ करने वाला। तुम्हें तो पता भी नहीं कितनी उम्मीदें पा रखी थी तुम्हारी माँ ने तुमको लेके, कितना प्यार और भरोसा करती थी वो तुम पे। सब दोष मेरा है। बेशक सब दोष तुम्हारा है। तुम ही कातिल हो अपनी माँ के खून के। अरे डूब मरे चुल्लू पर पानी में। तुमसे वफादार तो तुम्हारे एक कुत्ता टॉमी निकला जो अपनी मालिक की मौत उसके साथ खड़ा रहा। सही कहा अंकल आपने, सही कहा। बिल्कुल अपराधी हूं मैं मेरे माँ के खून का। मैंने माँ को बहुत समझा और उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया, परंतु उनके जाने के बाद हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अरे माँ बाप को दर्द देख के अच्छा हो भी कैसे सकता है। सही कहा अंकल आपने। हमारे पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे, बच्चे बदतमीज हो गए, घर में अशांति हो गई। आज मैंने माँ को खोकर यह जाना है। माँ बाप की जगह वृद्धाश्रम में नहीं, वो तो घर की शोभा है, बरगद की छांव है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे माफ करना और आप ये गलती कभी मत करना।